तो आज का सेशन है हमारा लुकअप एंड रेफरेंसेस फार्मूला का सेकंड सेशन, जिसके अंदर हम वी लुकअप वगैरह ये सब करेंगे। वी लुकअप, एच लुकअप, और वी लुकअप में कुछ एडवांस फीचर, मैच इंडेक्स, ऑफसेट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, रोल नंबर है, नेम है, और इनके मार्क्स हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के। तो वी लुकअप तो आई गेस सबको आता ही होगा, ठीक है। तो वी लुकअप हम लिखते हैं, लुकअप वैल्यू लेते हैं, ठीक है। इनमें डॉलर आप पहले से लगा के रख लीजिए कि कहाँ जी कहाँ डॉलर लगना है। देन इसको आपने सिलेक्ट किया मेन डेटा को, देन कॉलम इंडेक्स हो गया हमारा 2 एंड 0। इसके बाद आप लोग इसको ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पे बस आपको कॉलम इंडेक्स चेंज करना है, 3 तो था ही, 4 चौथे कॉलम से, और ये 5। तो ये है हमारा सिंपल वी लुकअप। अब एच लुकअप मालूम है? हाँ, तो मतलब अगर आपके पास डेटा जो था हमारे पास पहले रोज़ में था, वो अगर कॉलम में हो जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ट्रांसपोज हो जाए, तो वहाँ पे हम एच लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको लगाते नहीं, दूसरा तरीका देखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए डेटा आपका 2 जगह है, तो इसको कैसे करेंगे? हाँ, मतलब ये आईडी जो है इधर भी है, इधर भी है, तो इसका कोई तरीका मालूम है? मतलब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास आउटपुट यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है, आईडी जो है इस डेटा में भी है, इस डेटा में भी। हाँ, नेस्टेड वी लुकअप कौनस कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, देखो, सबसे पहले वी लुकअप, जो पहला वी लुकअप आप लगा लो पहले डेटा पे, अब देखो इसमें क्या चीज़ है, एरर आ रही है, मतलब कि ये आईडी इसमें नहीं है, है ना। तो इफ़ एरर का यूज़ कर सकते हैं आप लोग, पहले वी लुकअप को डाल दो इफ एरर के अंदर, ठीक है, इफ एरर के पहले पैरामीटर में इसमें आप ये दे दोगे। उसके बाद वैल्यू एरर आने की जगह पे जो वी लुकअप लगाना है, अब दूसरा वाले में डेटा यहाँ का दे दोगे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इतना ही है कि और भी है, तो ये आपका वी लुकअप लग गया इसमें। और अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो जहाँ पे एरर आ रही है वहाँ पे ये चल जाएगा। अब इसी में ही अगर तीसरी जगह आ रहा होता डाटा होता, तो इफ़ एरर एक और लग जाता, तो ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका है वी लुकअप एक और तरीके से। अब मान लीजिए पहले मार्क्स जो थे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इस टाइप से थे, अब क्या हो गया कि ये यहाँ पे इस तरह से आ गए, एक ही कॉलम में आ गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रोल नंबर और नेम रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे अलग सब्जेक्ट है उसी के लिए, ठीक है। अब सेम डेटा मुझे यहाँ पे फर्निश करना है फॉर्मूले से, तो वो कैसे करेंगे, इसका तरीका मालूम है? कोई और तरीका वी लुकअप छोड़ के, या सम इफ? पर अगर देखो सम इफ तो वहाँ काम करता, मान लीजिए हम मार्क्स की जगह कुछ और होता, नंबर नहीं होते, तब तो हमें कोई और फार्मूला ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए क्या होता है कि वी लुकअप को चाहिए एक यूनिक वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है कि जब एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो वो जो पहली वैल्यू मिलती है उसको ही ले जाता है। तो हम क्या करेंगे, इनको यूनिक कर कैसे रहे हैं हम लोग, जैसे हम देख रहे हैं डेटा को, तो कैसे देख रहे हैं हम, रोल नंबर देख रहे हैं, सब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोल नंबर और सब्जेक्ट को कंबाइंड कर दो यहाँ पे, ठीक है,
ठीक है, मैंने इसको कंकेटिनेट कर दिया इससे, तो मेरे पास एक यूनिक आईडी हो गई, है ना। अब यही आईडी मुझे यहाँ पे देनी है। देखो नेम के लिए तो हम डायरेक्ट नॉर्मल वाला भी लुकअप लगा देंगे, टू जीरो, ठीक है, नेम तो आ गया। अब हिंदी इंग्लिश के मार्क्स के लिए मैं इसको बेस बनाऊंगा और इन दोनों को कंकेटिनेट कर दूंगा, ठीक है ना। कैसे, इसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे मैं क्या कॉलम को फ्रीज करूँगा और यहाँ पे कंकेटिनेट लगाया और यहाँ रो को फ्रीज करूँगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि वही आईडी जो मुझे चाहिए वो यहाँ मिल जा रही है मुझे, है ना। अब ये जो है वी लुकअप की लुकअप वैल्यू में दे दो आप, यहाँ पे वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में ये आ गई वैल्यू, बाकी का इसके बाद आपको पता, ये आसान है। ये ले लिया कॉलम इंडेक्स 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5, हाँ 0, ठीक है, और यही आप कर दो आगे, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब मैं एक और तरीका बताता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा ना। देखो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ हमें अलाउड नहीं होती है ना, करनी शीट पे नहीं कर सकते कुछ, ऐसे ही डेटा है पर काम यही है, उस केस में हम क्या करेंगे। तो एक फॉर्मूला है जो इसको कंबाइंड करेगा अंदर ही अंदर, ये हमारा है, ये एक एरे फॉर्मूला है बेसिकली। तो मुझे क्या लगाना है, वी लुकअप, इसमें लुकअप वैल्यू तो मेरी वही रहेगी जैसे कि मैंने सेट की थी, यहाँ नहीं लगाते, यहाँ लगाता हूँ, इससे। हालांकि एरे फॉर्मूला जब आएगा तो आपको ये चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, पर अभी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। एक फार्मूला है हमारे पास चूज़ का, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था ना। अब चूज़ के फार्मूला में मैंने देना है इसके अंदर 1, 2, ठीक है, और इसके अंदर मैं पहली रेंज दे दूंगा जो कंबाइंड करने वाला हूँ, ये रही, किससे कंबाइंड करके ये कंकेटिनेट कर रहा हूँ मैं यहाँ सब्जेक्ट में, ठीक है, उनको फ्रीज कर। अब ये दोनों मैं कंकेटिनेट कर रहा हूँ अंदर ही अंदर, चूज़ क्या है, इसे एक रेंज बना के देगा, तो पहली रेंज ये हो गई, दूसरी मैं इसकी दे देता हूँ रिजल्ट वाली, ठीक है। तो चूज़ का काम क्या करेगा, ये दो दो टेबल, मतलब एक टेबल देगा जिसके दो कॉलम होंगे, पहले कॉलम में ये कंबाइंड होगा, दूसरे कॉलम में रिजल्ट होगा, तो इसीलिए कॉलम इंडेक्स जो देंगे यहाँ 2 देंगे और जो 0, अभी कुछ नहीं आया, इसको लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर लगाना पड़ता है, ठीक है। बस इसको कॉपी कर लिया, फिर इसको पेस्ट कर लिया, अच्छा अरे वहाँ ड्रैग नहीं हो सकता, इसको ऐसे यहाँ से डालना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया आपका सेम काम विदाउट उसके। बाकी हम एरे सीखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि बाकी चीज़ें कैसे। हाँ मतलब 3 जगह से 4 जगह से कैसे, तो उसके लिए वही वाला लगा दो। हाँ इफ एरर करके उठा लो, अलग अलग जगह डेटा है, तो इसीलिए मैंने 3 तरीके बताए ना, एक तो नॉर्मल ही है, देखो तीसरा इसके पहले ही लगा दो, एक और इफ एरर यहाँ लगा दिया, अब आपके पास वैल्यू में तो ये फार्मूला हो गया, कॉमा करके तीसरा वी लुकअप चालू कर दो, ठीक है, जो इसके वैल्यू इस वाले इफ एरर की वैल्यू इफ एरर में आ जाएगा, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7 जितना लगाना लगा,
ठीक है, अगर कंबाइन करना हो, कंबाइन करना हो मतलब, जैसे मान लो हमारा कुछ डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, हाँ देखिए मार्क्स है, हाँ डेटा यहाँ पड़ा हुआ है स्क्रीन पे, हाँ मतलब तीन टेबल में अलग अलग डेटा, सेम डेटा है लेकिन हाँ तीन अलग अलग उसमें है, या जैसे तीन अलग अलग शीट में है, मार्क्स वार्क्स होंगे अच्छा, टोटल करके, मतलब एक में डालने होंगे, तीन डेटा के टोटल करके, हाँ जैसे हिंदी के मार्क्स हैं, एक शीट है उसमें हिंदी के मार्क्स पड़े हुए, हिंदी मतलब ये सब्जेक्ट वाइज तो वो तो फिर अलग अलग, जैसे सेमेस्टर के हैं तो हर सेमेस्टर हाँ के अलग अलग पड़े हुए हैं, तो उसको अगर एक साथ उठा के लगाओ तो वी लुकअप से लगाएंगे या फिर उसको पहले ऐड कर लेंगे, देखो मतलब वी लुकअप तो अपनी जगह सही चल रहा है, ठीक है, जब दूसरा ये देखो, ये जो फॉर्मूला है वो एक वी लुकअप का है, ठीक है, तो ऐसे तीन या चार वी लुकअप इफ एरर के अंदर चलते चले जाएंगे। फिर नेस्टेड इफ बनाता है इसके अंदर, हाँ इसको ही हाँ नेस्टेड वो बनाना है फिर, हाँ लगाता तो इससे मतलब ये तीन मेथड जो हैं इनसे हर तरह की ऑलमोस्ट प्रॉब्लम निकल जाती है जो लुकअप के अंदर आती है। बाकी और चीज़ों के लिए फिर मैं मैच इंडेक्स, इंडेक्स हाँ वगैरह बता रहा हूँ, ये पता है पहले से मैच इंडेक्स किस काम आता है? हाँ तो अभी देखते हैं, तो सबसे पहले आता है ना, वैसे दोनों को ही आता है थोड़ा मैच सा इन थोड़ा ये थोड़ा साथ बहुत, में आता तो सबसे पहले इनको ना अलग अलग समझते हैं फिर एक साथ करेंगे, ठीक है। मैच करता क्या है, अगर मैं मैच इंडेक्स का वैल्यू, फॉर्मूला लगाऊं तो इसमें लुकअप वैल्यू है वी लुकअप जैसा ही है, ठीक है, लुकअप एरे है मतलब एक सिंगल कॉलम आपने देना है, ठीक है, और मैं एग्जैक्ट मैच के लिए वही जीरो यूज़ होता है, ठीक है। ये तो ये आपको दे रहा है अभी क्या पोजीशन पोजीशन दे है, राइट, इंडेक्स में आपको सेम कॉलम देना होता है कि मतलब जैसे यहाँ E2 से शुरू किया तो यहाँ पे भी E2 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल मार्क्स को ले लेता हूँ, मार्क्स को, ठीक है, तो एरे में मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, और पोजीशन जो रो नंबर है वो मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है, तो अब ये मेरा उसी का निकल के आ गया, ठीक है, इसको आप कंबाइंड कर देंगे, मैच को यहाँ से उठाया मैंने और जहाँ मैंने लिंक दिया था वहीं पेस्ट कर दिया मैं, इस यहाँ पे डॉलर लगा दूँ जिससे ये हिले ना, ये ड्रैग किया, इधर ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बदलना है मैंने, ये टेबल, और नहीं तो मैं इसको ऐसे भी सेट कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डॉलर नहीं लगाऊँगा, अगर एक ही लाइन में है तो ड्रैग करते ही अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका नॉर्मल इंडेक्स मैच, और इंडेक्स मैच अब जैसे कि हमने यहाँ एक रो नंबर निकाला है, ठीक है, अब इसको मैं ऑटोमेशन की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं ना कॉलम नंबर भी निकाल सकता हूँ इसमें। इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे आप रो नंबर कॉलम नंबर के बेस पे ये वैल्यू निकालता है इंडेक्स, अभी हमने खाली एक कॉलम लिया था और उसमें सिर्फ रो नंबर दिया था, पर अगर मैं इसमें इस तरह से लेता हूँ इसको, तो यहाँ पे मुझे जहाँ मल्टीपल कॉलम होंगे तो वहाँ पे मुझे रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, ठीक है, तो अभी हमने जो किया था वो सिर्फ रो नंबर के लिए किया था, तो रो नंबर की जगह मैंने लगाया था मैच, ठीक है, वैल्यू को फाइंड कराने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें हेडिंग फाइंड कराऊँगा कि इसमें कहाँ पे है हेडिंग लिस्ट में, तो मुझे कॉलम नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जैसे इनको अलग अलग कर देते हैं कि ये वाला मैं मैच यहाँ से लगा रहा हूँ कि मैच इस वैल्यू को, और इसमें मुझे क्या रो फिक्स करनी है, फाइंड करेगा कि इसके अंदर कहाँ पे है, ठीक है, ये फुल फ्रीज ज़ीरो, तो इनकी मुझे हेडिंग मिल जाएगी कि कॉलम नंबर कौन सा है, और रो नंबर के लिए मैच में यहाँ लगा देता हूँ जैसे पहले लगाया था, कॉलम फ्रीज करना है और इसमें यहाँ ऊपर से ले लेता हूँ, फुल डेटा पे लगाता हूँ, ठीक है, तो ये कौन से कॉलम
रो में है, तो बस मुझे इंडेक्स का एक फॉर्मूला लगाना है। और इसको फ्रीज करना है, और रो नंबर मेरे पास यहाँ आ रहा है, यहाँ पे मैं क्या फ्रीज करूँगा, कॉलम, और यहाँ पे मैं करूँगा रो, ठीक है। और ये आपका ये बन गया, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपका हेडिंग चेंज होगी, डेटा चेंज हो जाएगा, इसको कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैच का यूज़ मैंने ऊपर से हेडिंग को भी फाइंड कराने के लिए कर दिया। सेम चीज़ आप वी लुकअप के साथ भी कर सकते हो। इसका ये फायदा कि वी लुकअप में राइट से, हाँ मतलब लेफ्ट से राइट में देखता है, ये कहीं भी देख, हाँ सकता ये है। कहीं भी देख सकता है। और दूसरा ये देखो, इसमें मैं इसमें अगर वो हेडिंग वाला जो चक्कर है, मैं अगर इसको यहाँ पे लगा दूँ तो इसमें क्या करेगा, ये 0, तो इसमें ये क्या कर रहा है, वी लुकअप में जो कॉलम इंडेक्स चाहिए वही वाला है। तो ये मैच का फॉर्मूला आप वी लुकअप में जहाँ कॉलम इंडेक्स देते हैं वहाँ डाल दो, तो आपको वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो, नॉर्मल वी लुकअप, टेबल एरे, और ये मैच का फॉर्मूला, ठीक है, कॉमा 0। ये अब आपको कॉलम इंडेक्स अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप चेंज करोगे तो वही उससे ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इंडेक्स मैच के अलावा, मतलब इंडेक्स के अलावा मैच आपका वी लुकअप में भी चल जाता है। अब देखते हैं ऑफसेट, ऑफसेट किस काम आता है, ऑफसेट का पता क्या काम आता है। हाँ, डायनेमिक रेंज में भी होता है, चार्ट्स वगैरह में, चार्ट मोस्टली चार्ट में उस रेंज का यूज़ किया जाता है। चलो वो तो हम डायनेमिक चार्ट जब करेंगे वो देखेंगे। और अभी मैं आपको ऑफसेट का दिखा देता हूँ। हाइट और विड्थ का फीचर पता है इसका, हाइट विड्थ का क्या होता है, अगल बगल का तो पता है, ठीक है। तो मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ। जैसे हम मैच का हमने देखा कि इंडेक्स में हम 2 मैच लगा सकते हैं, इसमें 4 मैच तक लगा सकते हैं। अभी ऑफसेट क्या काम करेगा इसमें वो देखते हैं। जैसे कि मैंने अगर इंडेक्स लिया, तो मान लो मेरे को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है डेटा, और उसके बाद रो नंबर और कॉलम नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है। रो नंबर कॉलम नंबर लिया, तो सेकंड रो से, ये रहा सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। पर अगर इसकी जगह मैं ऑफसेट लगाऊं और सेम वो दूं, इसमें जो होता है दो फर्क क्या है कि उसमें पूरा डेटा आपका सिलेक्ट होता है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है, पूरा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, रो और कॉलम, ठीक है। रो कॉलम दे दिया, पर इसका रिजल्ट अलग आता है, क्योंकि ऑफसेट काउंट करता है 0 से, इंडेक्स 1, 2, 3 करके करेगा, यहाँ 1, 2, 3, और ये करेगा 0 से, तो 0, 1, 2, ठीक है, यहाँ पे आया 2 पे, कॉलम 1, 0, 1, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हाइट विड्थ क्या होती है आपकी, कि जैसे यह यहाँ पे तो आ गया, अब मान लो मैं एक वो ले लेता हूँ, इसमें रेफरेंस लिया, रो कॉलम हाइट विड्थ, ठीक है, ये ले लिया मैंने, और इसको आप देखोगे अभी तो एरर देगा ये, ठीक है। पर ये कर क्या रहा है इसमें, ये यहाँ तक आया, यहाँ तक का तो आपको पता था, अब यहाँ से 3 हाइट, तो 3 सेल ऐसे ले लिए, 4 विड्थ, तो 4 ऐसे ले लिए, तो ये जो है आपका, इसका 525 सम है ना, तो ये पूरे को ले लिया। अब ये कोई सिंगल वैल्यू ही दिखाएगा, इसलिए वैल्यू की एरर है, क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। अब सेम को अगर सम के अंदर दे दो ऐसे फार्मूला में, तो मल्टीपल वैल्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, तो वो आपको वही दिखाएगा। हाँ, तो अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कि मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं जिस मंथ का नाम लिखूँ
जनवरी से लेकर वहाँ तक का टोटल आना चाहिए, ठीक है। तो अब मेरे को स्टार्ट यहाँ से करना है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई इसकी जो मैं ये बढ़ाऊँगा, ये हो गई विर्द, है ना। और मैं फाइंड कहाँ से करूँगा कि ये मंथ उसका है, जैसे मई टाइप किया यहाँ, तो वो मैच से फाइंड करूँगा कि ये कौन से में मैच को मैं इतना यहाँ से दे दूँगा कि 1 2 3 में काउंट करके मुझे बता देगा कि कितना है। हाइट विड्थ 1 2 3 से चलता है, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं एक डेटा वैलिडेशन में ही ले लेता हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छा रहता है। लिस्ट फीचर, लिस्ट में ले लिया मैंने, सोर्स में मैंने ये उठा लिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है, यहाँ मैं बगल में एक नंबर ले लेता हूँ मैच से कि यहाँ वाली वैल्यू मुझे बता दे कि इसमें कौन से नंबर पे आती है, ठीक है। तो यही मुझे विड्थ में डाल देना है, वही सम ऑफसेट रेफरेंस। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लूँगा, क्योंकि जनवरी जनवरी से है ना, तो मैं यहाँ से ये ले लूँगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया मैंने और मैं चाहता हूँ ये चेंज भी होता रहे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ज़ीरो रो ज़ीरो कॉलम, ठीक है। तो मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। हाइट कितनी रखनी है, एक सेल, ठीक है, नीचे में एक ही सेल चाहिए। और विड्थ क्या रखनी है, जो यहाँ से मिलेगी मुझे, ठीक है। इसको फ्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ड्रैग कर दिया और जहाँ तक आप देखोगे जनवरी लेता हूँ यहाँ, तो ये आ गया, ठीक है, सेम फिगर। बाकी बढ़ाते जाओगे तो ये होती जाएगी, दिसंबर तक एंट्री दिखा देगी, ठीक है। तो इसमें इन चारों प्रॉपर्टी में आप देखो, रो कॉलम का मैच इंडेक्स तो आप जैसे इंडेक्स मैच में कर रहे थे वैसे ही कर सकते हो, यहाँ पे मैच लगा सकते हो। हाइट के साथ मैंने विड्थ के साथ मैच लगा के दिखाया, आप हाइट के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चार मैच का यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हम वी लुकअप में ट्रू का यूज़ कब करते हैं मालूम है, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए, जो अप्रॉक्स, हाँ वन वन वन, हाँ वन का तो यूज मालूम है ना, हाँ तो ठीक है। तो हाँ तो यही है हमारे आज के सेशन में, ठीक है। ये है लुकअप एंड रेफरेंसेस टू वीडियो।